सहाबे काफ का वाक्या कि क्या कोई इंसान 309 साल तक जिंदा रह सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे लादीन लोग जो हैं वो इतराज़ करते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान बगैर खाए पिए एक ही जगह पे वो पड़ा रहे और उस पर 3 सदियाँ गुजर जाएं और 3 सदियों के बाद वो बंदा दोबारा ज़िंदा हो और अपने ज़िंदगी के काम काज में मसरूफ़ हो जाए, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। तो जहाँ कुरान ने इस वाक़े को बयान किया है अहले ईमान का तो इसके ऊपर यकीन और ईकान पूरा है, वहाँ साइंस भी इस मसले को आज साबित कर रही है कि इस तरह होना मुमकिन है। हाइबरनेशन एक अमल होता है कि जिसके अंदर जानवर जो है स्पेशल शुमाली इलाका जात के साइबेरिया के कैनेडा के बाज़ इलाके जहाँ इंतहाई ठंड पड़ती है और वो इलाके दुनिया के जहाँ 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात रहती, तो वहाँ के जानवर रीछ गिलहरियाँ इस तरह के और लंगूर या दूसरे वॉल्व जो हैं वो क्या करते हैं भेड़िए, वो मौसम गर्मा में अच्छा खाना खाते हैं, बड़ा डट के ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करके अपने जिस्म के अंदर वो गोश या खुराक को जमा करते हैं और जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है वो गारों के अंदर चले जाते हैं। वहाँ 6-6 माह वो सोए रहते हैं बगैर खाए पिए के और उनकी गारों के अंदर धूप भी नहीं पहुँचती, मामला एक तरह का ही रहता है, टम्परेचर उनका रहता है। लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उनकी खुराक जो होती है वो उनके पेट में जमा जो चीज़ है वो उनका जिस्म वहाँ से उसको गेन करता रहता है। लेकिन इसी हाइबरनेशन के दौरान यानी सरमाई नींद के दौरान 6-6 माह की नींद के दौरान होता क्या है, उनके दिल की धड़कन 95% जो है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है और उनकी उम्र आम दूसरे जानवरों की बनिस्बत कम बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है। तो वो वहाँ 6-6 माह गुजारते हैं। दुनिया के अंदर एक चमगादड़ का रिकॉर्ड है कि वो 344 दिन तकरीबन 1 साल तक इसी कैफियत के अंदर रही, हाइबरनेट रही, खाया पिया कुछ नहीं, बस जो कुछ खाया था उसी से उसका जिस्म खुराक हासिल करता रहा। तो वो साइंस कहती है कि ये मुमकिन है, शुमाली इलाका जात साइबेरिया के अंदर जानवर हर साल इसी अमल से गुजरते हैं और इसी तरह वो फिर जब मौसम बदलता है तो फिर वो जाग जाते हैं और फिर बाहर निकलकर उनको बड़ी भूख लग चुकी होती है, चूँकि वो ज़खीरा जो उनके पेट में होता है वो तो उनका ख़त्म हो चुका होता है, तो वो निकलते ही शिकार की तरफ जाते हैं। तो ये अमल और कुरान की आयात को हम मिला के पढ़ के देख लें, बिल्कुल मिन वन जो है वह सादिक आते हैं। रब कैनात कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, अम हसिबता अन असहाबल काफ़ी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। असहाबे काफ का वाक़या ये हमारी एक अजीब निशानी है कि जिसको आम तौर पर अक्ल इंसानी बड़ी मुश्किल से समझती है, उसका इदराक नहीं करती। तो वो हुआ क्या कि वो जब गार के अंदर चले गए और 309 साल तक वो वहाँ पड़े रहे तो उनकी गार का टम्परेचर भी सेम ही रहा और उनके ऊपर सूरज की धूप जो है वो नहीं आई थी। कुरान कहता है उसके बारे में, तरशम सजा तारत तजावर अनकाफिम जातल जमीन, कि तू तो सूरज को देखेगा जब उनकी गार के ध्याने की तरफ मशर की तरफ आता है तो दाई जाने फिर जाता है और जब जागरबत तक रिदुम जात शिमाल, और जब वो गुरूब होने की तरफ आता है तो बाई जाने फिर जाता है। यानी उनका वो 309 साल तक का टम्परेचर सेम ही रहा। अब अगली बात जो साइंस कहती है कि इस हाइबरनेशन के अमल में जब वो जानवर सोए होते हैं तो वो क्या होता है, उनके पहलुओं का बदला जाना ज़रूरी है वरना उनका खून फरीज हो सकता है और स्पॉट बॉडी के ऊपर निशानात बन सकते हैं। तो लिहाजा वो जानवर ऑटोमेटिकली सोए सोए अपने पहलू जो है वो चेंज करते रहते हैं, सिमते बदलते रहते हैं। और इसी चीज़ को कुरान भी कहता है कि हाँ क्या है, वह नुकली वो ज़ातल जमीन व ज़ातल शिमाल, हम उन्हें दाएँ बाएँ बदलते रहते हैं, उनके पहलू चेंज करते रहते हैं, उनके कुत्ते के ही पहलू जो है वो इसी तरह चेंज होते रहते हैं। और अगला अमल इस हाइबरनेशन इस प्रोसेस के दौरान ये होता है कि आँख अगर इंतहाई ज़्यादा अरसे तक बंद रहे तो वो ख़राब हो जाती है, जैसे इंतहाई ज़्यादा अरसे तक खुली रहे वो आँख जो है वो भी ख़राब हो सकती है। तो अब इतनी देर तक वो 3 सदियाँ सोए रहे लेकिन उनकी आँखें दुरुस्त थी, तो उनके बारे में भी कुरान कहता है कि आप देख ले तहसब एक आज़म हम रुकूद, तुम उन्हें जो है वो जागते हुए शुमार करते हो हालांकि वो सोए हुए हैं। तो उनकी आंखें खुली थी, उनकी वो हरकत मूवमेंट पलक झपकने की जारी रही ताकि
उनकी आंखें जो है वो खराब ना हो, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कोमे वाले लोग जो हैं वो जब ज्यादा देर तक आंखें बंद रखते हैं तो बाज़ तो उनकी आंखों को प्रॉब्लम हो जाती। तो कुरान यहां सब कुछ कह रहा है कि उनकी आंखें देखने वाले को खुली लगती लेकिन वो होए सोए होते, दिमाग उनका सोया, बॉडी उनकी जो रेस्ट कर रही होती। और फिर हाइबरनेशन के अमल से जैसे ही वो जानवर बाहर आते हैं तो उन्हें बड़ी भूख लगी होती, क्योंकि उनका जखीरा जो स्टोर होता है उनके अपने पेट में वो ख़त्म हो चुका है। तो आप कुरान पढ़ के देख लीजिए कि वो जैसे ही उठे तो उनमें से क्या उन्होंने किया, फबासु अहदकुम बिवर्ककुम हाजा इलल मदीना फल यंजुर अय्युहा अज़का तअमल फल यातीकुम बिरिज़्क मिन्हु, ये पैसे दे के भेजो और बेहतरीन खाना लाओ कि बड़ी भूख लग गई। तो जो चीज़ कुरान ने 14 सदियों पहले बयान की, अकल इंसानी आज उस चीज़ को सिर्फ समझ सकी है, जान सकी है कि ये अमल हुआ था वहाँ और वो लोग जो थे मतलब इस तरह 309 साल उन्होंने गुजारे। तो जानवर गुजारते हैं, अगर किसी इंसान को भी इस अमल से गुजारा जाए तो वो यकीनन ऐसा हो सकता है कि हाइबरनेट उसको किया जाए और फिर उसको सुला दिया जाए किसी एक तरह के टेम्परेचर में और उसके पहलू जो है बदले जाते रहें। तो यकीनन ये अमल हो सकता है, जैसे कि हॉलीवुड की बात मूवीज़ के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक इंसान जो है वो नहीं कर सके, ना साइंसदान कर सकें, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत जान सकें और समझ सकें। तो अगर ये बात बंदा ईमान की रूह से मान ले, जिसको आज 14 सदियों के बाद साइंस सिर्फ जान रही है और उसकी हकानियत कुरान की हकानियत की दलील बन रही है, तो अगर यही चीज़ मुसलमान 14 सदियों पहले मान चुके हैं कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन खदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, तो अल्लाह ने कर दिया, तो इंसान की समझ में प्रैक्टिकली जो है उस तरह आ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कुरान की हकानियत की दलील है कि कितने सौ साल, तकरीबन 2500 साल या इस जितना भी अरसा जो गुजर चुका है उनके बारे में, वो इतना वक्त पहले ये मामला पेश आया था। तो ये कुरान की अकानियत की दलील बन गया।